राम सिंह की मौत चाहे हत्या हो या आत्महत्या, लेकिन है तो तिहाड़ जेल प्रशासन की चूक का ही नतीजा। अधिकारी कहते हैं कि तिहाड़ एशिया की सबसे सुरक्षित जेल है और इसी जेल में एक हाई प्रोफाइल केस के आरोपी ने खुदकुशी कर ली, लेकिन जेल कर्मियों को पता तक ना चला। इस मामले ने तिहाड़ जेल प्रबंधन पर गहरे सवालिया निशान लगा दिए हैं। अजीब बात है कि सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल में राम सिंह ने फांसी लगा ली। निगरानी के बावजूद फांसी पर झूल गया राम सिंह। उसे ना तो कैदी देख पाए और ना ही उस पर नजर रखने के लिए तैनात गार्ड देख पाया। राम सिंह ने अपने कपड़ों की मदद से जेल नंबर 3 की अपनी सेल में ग्रिल से लटक कर सोमवार सुबह फांसी लगा ली। उसके इस कदम से उस पर नजर रखने वाले जेल अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। It is a major, must be major lapse, but the inquiry is being done, and after the inquiry, everything will be done. इतने सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रिकॉशन के बाद एक जेल में आत्महत्या हो जाना, मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़ा जो हादसा हुआ है, इस पे जेल एडमिनिस्ट्रेशन की इंक्वायरी होनी चाहिए। राम सिंह की खुदकुशी में साजिश के तहत कत्ल की भी सुगबुगाहट तेज है। उसके वकील तो साफ साफ कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। No, it is not a suicide case, it is a murder. It is a criminal murder with a criminal conspiracy by some motive ulterior. It is a thing, it is I can understand and I totally strongly demand in this regard that CBI inquiry must be conducted in this case. राम सिंह ही वो आरोपी था जिसने अदालत में कहा था कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लिहाजा उसे फांसी दे दी जाए, और उसके गुनाहों की सजा का इंतजार अभी पूरा देश कर ही रहा था कि उसने खुद ही अपनी मौत को अंजाम दे दिया। गलत किया गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसे सजा काटनी चाहिए थी। मतलब कम से कम उसे रियलाइज तो उसने जो उसने किया वो गलत था। गौरतलब है देश के सबसे हाई प्रोफाइल तिहाड़ जेल में किसी कैदी की खुदकुशी का ये पहला मामला नहीं है। राम सिंह के मामले में तो जेल की लापरवाही साफ नजर आती है। 2400 घंटे कड़ी सुरक्षा का दावा करने वाली तिहाड़ जेल के सुरक्षा कर्मी क्या नींद में मदहोश थे? राम सिंह गैंगरेप केस का मुख्य आरोपी था, आखिर उसकी सुरक्षा पर खास निगाह क्यों नहीं रखी गई?